Now we'll discuss about the exercise of chapter number 18, pharmacology. First question, MCQs, multiple choice question. जिसमें first हमारे पास antibiotics are used for the treatment of viral infections, treatment of bacterial infections, immunization against infections and both A and B. तो B जो है वो correct है, treatment of bacterial infections, यानी B option. Second, the substance is used for the treatment, cure, prevention or diagnosis of diseases are called medicinal drugs, narcotics, hallucinogens and sedatives. So A option, medicinal drugs. Number third, aspirin is categorized as, aspirin jo hai wo kis kisam ki medicinal drug ki category mein aati hai? Number A, a drug from animals, a synthetic drug, a drug from plants, a drug from मिनरल्स. तो ये एक सिंथेटिक ड्रग है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल वगैरह ये सब जो हैं ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं जिनको लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, यानी कि हमारे पास है इसका बी ऑप्शन. नंबर फोर्थ, द ड्रग्स यूज टू रिड्यूस पेन आर नाउन एज, वो ड्रग्स जो कि पेन को कम करने के लिए यूज होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एनल्जेसिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड सेडेटिव्स. तो ए ऑप्शन एनल्जेसिक्स. एनल्जेसिक्स जो हैं ये हाईली पेन किलर्स होती हैं जो कि पेन को रिड्यूस करती हैं, ए ऑप्शन. नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि प्लांट से ऑब्टेन होता है? एस्पिरिन, ओपियम, स्फेलोस्पोरिन, डी इंसुलिन. तो इसको अगर हम देखें तो हमें जो एस्पिरिन है ये तो प्लांट से ऑब्टेन नहीं होती, ये तो एक सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाती है. ओपियम जो है ये जो है ये एक तो प्लांट का नेम है. स्फेलोस्पोरिन और फिर इंसुलिन, इसमें जो सी है ये ऑब्टेंड हो सकती है स्फेलोस्पोरिन. नंबर सिक्स, विच ऑफ दीज एडिक्टिव ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड एज पेन किलर्स, इनमें से कौन से ड्रग्स जो हैं वो पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं? ए ऑप्शन में नारकोटिक्स, बी में सेडेटिव्स, सी में हेलोसिनोजेंस एंड डी ऑल कैन बी यूज. तो ए ऑप्शन है नारकोटिक्स. नारकोटिक्स जो हैं ये ऐसे ही नहीं ड्रग्स हैं, एडिक्टिव ड्रग्स जो कि पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं. नंबर सेवन, सल्फोनामाइड्स अफेक्ट बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग वे, के सल्फोनामाइड जो है ये बैक्टीरिया के किस जगह के ऊपर जो है वो किस तरीके से अटैक करती है? ब्रेक्स द सेल वॉल, उसकी सेल वॉल ब्रेक करती है. इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है. स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल वॉल, नए सेल वॉल की सिंथेसिस को स्टॉप करती है. स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड, तो ये डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस होती है उसको स्टॉप कर देती है सल्फोनामाइड बैक्टीरिया के अंदर, यानी डी ऑप्शन. नंबर एट, व्हाट इज ट्रू अबाउट वैक्सीन, वैक्सीन के मुतल्लिक क्या चीज़ करेक्ट है? Protect against the future viral and bacterial infections. Treat the existing bacterial infection only. Treat existing infections and also protect against future infections. Number D, protect against viral infections only. Number C correct है, क्योंकि जो वैक्सीन होती है वो उस वक्त भी essential होती है जिस वक्त disease होती है, और आने वाली जो डिज़ीज़ होती है हेल्दी वायरस का अटैक होता है उसके लिए भी, यानी वो हेल्पफुल होती है, यानी दोनों केसेस के लिए, जो डिज़ीज़ एग्जिस्ट कर रही है इन्फेक्शन उसके लिए भी वो हेल्पफुल है और फ्यूचर वायरस के लिए भी वो हेल्पफुल है. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम फार्मेसी. तो फार्माकोलॉजी का अगर हम देखें तो फार्माकोलॉजी जो है इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर कॉम्पोजिशन, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर सोर्स. फार्मेसी जो है ये एक अलग वर्ड है, ये फार्माकोलॉजी से रिलेट नहीं करता. फार्मेसी का वर्ड जो है वो तो मेनली यूज़ किया जाता है कि जो जो सर्टेन टाइप्स ऑफ, यानी कि मेडिकल स्टोर्स वगैरह, इनके लिए यानी ये यूज़ किया जाता है जहाँ से मेडिसिन ईजीली अवेलेबल हो जाती है. तो इसका यानी फार्माकोलॉजी से कोई रिलेशन इतना खास नहीं है. डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिसिनल ड्रग एंड एडिक्टिव ड्रग, मेडिसिनल ड्रग और एडिक्टिव ड्रग में फ़र्क क्या है? मेडिसिनल ड्रग जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं इनमें अगर हम देखें तो मेडिसिनल ड्रग्स की हमारे पास बहुत सी काइंड्स हैं. अब मेडिसिनल ड्रग होते किस लिए हैं? कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है यानी कि जब हमारी बॉडी में इसको एंटर किया जाए तो इसके ज़रिए जो है वो हमारी जो डिजीज़ हैं उनका क्योरमेंट हो जाए, उनका ट्रीटमेंट हो जाए, तो ये होती हैं मेडिसिनल ड्रग्स. एडिक्टिव ड्रग्स इस किस्म के ड्रग्स होते हैं अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये पर्सन को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं, यानी कि होता ये है कि फिर पर्सन जो है वो इनके बगैर अपने जो वर्क है या कोई फंक्शन है अपना उसको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं.
डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनर्जेसिक एंड एंटीबायोटिक. एनर्जेसिक ऐसी यानी मेडिसन्स हैं जो कि पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जैसे एस्प्रिन, पैरासीटामोल वगैरह. और एंटीबायोटिक्स जो हैं ये ऐसी मेडिसन्स हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं. और इनमें भी यानी बहुत सी कैटेगरीज हैं, जैसे स्फेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन वगैरह. वट इज़ मैरिजुआना? टू विच कैटेगरी ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स इट बिलोंग्स? मैरिजुआना जो है, अगर हम इसको देखें तो आपको चैप्टर नंबर जो पेज नंबर है 153 इसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा. डिफ्रेंशिएट बिटवीन नारकोटिक्स एंड हेलोसिनोजेंस, ये भी पेज नंबर 153 के ऊपर अवेलेबल. अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, वट आर द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, गिव एग्जाम्पल्स. ये जो है ये पेज नंबर 151 के ऊपर गिवन है. राइट अ नोट ऑन सेडेटिव्स, नारकोटिक्स एंड हेलोसिनोजेंस, ये जो है ये पेज नंबर 153 के ऊपर गिवन है. डिस्क्राइब द मेन ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये जो है ये पेज नंबर 152 के ऊपर गिवन है. एंटीबायोटिक्स के जो ग्रुप्स हैं वो आपको मिलेगा पेज नंबर 155 के ऊपर. राइट अ नोट ऑन द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, के एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है उस पर नोट लिखना है, तो ये मिलेगा पेज नंबर 155 के ऊपर. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, तो ये जो है ये पेज नंबर 156 के ऊपर जो है वो गिवन है. इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टर्म्स टू नो. ये सारी जो टर्म्स डेफिनेशन हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी मिल सकती हैं आपको, और इस चैप्टर के अंदर जो है वो भी गिवन है. ओके, थैंक्स.